दोस्तों, हर चार साल बाद आने वाला वर्ल्ड कप आईसीसी के बाकी इवेंट से बिल्कुल अलग होता है। जहां तक एक क्रिकेट फैन की बात है तो उनके लिए एक त्योहार जैसा होता है जो महीने भर चलता है। यहां प्रेशर झेलकर अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी को हमेशा चैंपियन के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहां कई छोटी छोटी टीमें बड़ी टीमों को हार का स्वाद भी चखा जाती हैं, जिसकी उम्मीद करना भी कई बार मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी वर्ल्ड कप को खिलाड़ियों के खेल से ज्यादा उसमें होने वाले विवाद के लिए याद रखा जाता हो? साल 2003 का वर्ल्ड कप कुछ ऐसा ही था, जिसमें बॉयकॉट, धमकियां, डोपिंग सब कुछ था। इस वर्ल्ड कप में इतने सारे विवाद जुड़े हुए हैं कि इसे विवादित वर्ल्ड कप कहना गलत नहीं होगा। आइए जानते हैं इनके बारे में। साल 2003 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसे साउथ अफ्रीका के साथ कीनिया और जिम्बाब्वे जैसे देश भी होस्ट करने वाले थे। इस साल होने वाले वर्ल्ड कप का फॉर्मेट साल 1999 की तरह ही था, जिसमें मौजूद 14 टीमों को 7-7 टीम के दो ग्रुप में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप की बात की जाए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड्स जैसे देश शामिल थे। वहीं दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो इसमें साउथ अफ्रीका के साथ श्रीलंका, कीनिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, कैनेडा जैसी टीमें शामिल थी। वैसे तो इन दोनों ही ग्रुप में एक से एक धाकड़ टीमें शामिल थी, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इस आईसीसी इवेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। यूं तो इस वर्ल्ड कप में शुरू से लेकर आखिर तक कई विवाद हुए, लेकिन इसकी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉन के साथ। साल 1999 के वर्ल्ड कप को जीतने के बाद स्टीव वॉन ने संन्यास ले लिया था और रिकी पॉन्डिंग को इस वर्ल्ड कप में टीम की कमान दे दी गई। पिछली बार की तरह इस बार भी टीम में एक नहीं बल्कि 11 मैच विनर्स थे, जिसमें मैथ्यू एडन, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमंड्स के साथ ब्रेटली जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे। यही वजह थी कि कंगारुओं की कागजों से लेकर मैदानों पर दोनों ही जगह मजबूत नजर आ रही थी। इस टीम में स्पिन अटैक की कमान थी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉन के पास, जो उस वक्त स्पिन बॉलिंग के सूरमा माने जाते थे। जब इस टीम ने साउथ अफ्रीका की धरती पर कदम रखा तो डोपिंग नियमों के तहत सभी खिलाड़ियों का डोप टेस्ट किया गया। इस टेस्ट को पास करने में शेन वॉन फेल हो गए, जिसने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरे विश्व जगत को सन्न करके रख दिया। वहीं आईसीसी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर अगले एक साल तक क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया, जिस वजह से इस चैंपियन टीम को पूरा टूर्नामेंट इस खिलाड़ी के बगैर ही खेलना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने अपनी माँ के कहने पर कुछ दवाई ली थी और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी वजह से मैं वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को नहीं खेल पाऊंगा। बता दें कि इससे पहले साल 1999 में खेला गया वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीत चुका था। इस तरह वर्ल्ड कप की आगाज किसी मैच के साथ नहीं बल्कि विवादों के साथ शुरू हुई, जो आखिर तक जारी रहा, जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने किया मैच खेलने से इनकार। जितना बॉयकॉट साउथ अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप को देखने को मिला, इतना विरोध शायद इससे पहले किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में देखने या सुनने को मिला होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा सिर्फ दो देशों के बीच खेले जा रही सीरीज में कभी कभार देखा जाता है, वो भी तब जब उससे किसी आतंकी हमले का डर सता रहा हो। अक्सर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंडर होने वाले इवेंट्स में ऐसा देखने को कम ही मिलता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में हुए इस वर्ल्ड कप के दौरान एक नहीं बल्कि दो दो बार देखने को मिला। सबसे पहले बात करें इंग्लैंड की, तो उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में होने वाले मैच को खेलने से मना कर दिया। इस मैच को ना खेलने के पीछे जो रीजन थे वो पूरी तरह से पॉलिटिकल थे। बता दें कि उस वक्त जिम्बाब्वे के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की वाइट ओरिजिन देशों को लेकर जो नीतियां थी उस पर इंग्लैंड को कड़ा ऐतराज था, और इसी विरोध के चलते उसने वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे इस देश के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने इंग्लैंड की इस बेतुक दलील को नहीं माना और जिम्बाब्वे को मैच का विजेता घोषित कर दिया। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में मैच जीतने पर हर टीम को 4 अंक दिए जाते थे, इसीलिए इंग्लैंड को ये अंक गंवाने पड़े और नासिर हुसैन की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम का सुपर सिक्स से आगे जाने और वर्ल्ड कप जीतने का सपना वहीं खत्म हो चुका था। साल 2003 में खेले गए वर्ल्ड कप तक इंग्लैंड कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाया था। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने से क्यों मना किया ये तो आपने जान लिया, लेकिन वहीं इंग्लैंड ने कीनिया के खिलाफ मैच खेलने से क्यों मना किया, आइए जानते हैं। कीवी टीम की बात की जाए तो उसे भी इस टूर्नामेंट को जीतने का दावेदार माना जा रहा था। बता दें इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का मुकाबला कीनिया से था, लेकिन एक आतंकी संगठन की धमकियों के चलते इस टीम ने सिक्योरिटी रीजन से कीनिया में जाकर मैच खेलने से मना कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में आतंक के दूसरे राम के शहर से मशहूर बोको हराम ने किसी भी टीम को कीनिया में आकर क्रिकेट मैच ना खेलने की धमकी दी थी। इसीलिए इस डर के चलते कीवी टीम ने आईसीसी को कीनिया जाकर मैच ना खेलने के बारे में पहले ही बता दिया था,
इसके बाद आईसीसी ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा देने की पूरी गारंटी दी, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी के चलते इस मैच को खेलने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने कीनिया को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया। क्योंकि कीनिया पहले ही इस टूर्नामेंट में श्रीलंका को हरा चुका था, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले 4 पॉइंट्स ने उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इस तरह पहली बार कोई नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन यहाँ भारत के हाथों से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, जब कीनिया के हाथों हारा श्रीलंका। 24 फरवरी 2003 को श्रीलंका और कीनिया के बीच खेला गया ये मैच लंकन फैंस के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ, क्योंकि मुरलीधरन, जयसूर्या, संगाकारा, दिलशान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से सजी टीम कीनिया के बनाए गए छोटे से टारगेट को चेस करने में नाकाम रही। बता दें कि पहले खेलते हुए कीनिया ने श्रीलंका को 200 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में जब श्रीलंका की टीम आसान से टारगेट को चेस करने उतरी तो अरविंद डे सिल्वा के 41, अट्टापट्टू के 23, दिलशान के 23 रन की मदद से पूरी टीम सिर्फ 157 रन ही बना पाई और ये मैच हार गई, जिसकी वजह से श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। फाइनल के बाद पैदा हुआ स्प्रिंग विवाद। 2003 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट के हर फैन के लिए काफी खास था, क्योंकि 20 साल बाद यह पहला ऐसा मौका था जब टीम इंडिया कोई फाइनल मैच में खेलने के लिए मैदान पर उतर रही थी। साल 1983 की तरह ही सचिन, द्रविड़, गांगुली, कैफ जैसे सितारों से सजी टीम से फाइनल तक पहुंचने के बाद इस ट्रॉफी को घर लाने की उम्मीद हर क्रिकेट फैन को थी। लेकिन दादा ने टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए इन्वाइट किया तो कंगारू टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने इंडियन टीम में मौजूद सभी गेंदबाजों की बुरी तरह कुटाई शुरू कर दी थी, जिसमें आशीष नेहरा, जहीर खान, हरभजन से लेकर जवागल श्रीनाथ तक का नाम शामिल था। इस मैच में उन्होंने 121 बॉल पर 140 रन बनाए थे, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे। पॉन्टिंग की उस दिन बैटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बैट में मानो स्प्रिंग लगी हो, क्योंकि उस दिन उनका यह बैट आग उगल रहा था। उससे टकराने वाली हर बॉल बाउंड्री पार जा रही थी। इंडिया के फाइनल हारने के बाद लाखों दिल टूट गए और लोगों ने इस तरह एक नई कॉन्ट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। हाल ही में पॉन्टिंग ने अपने उस बल्ले की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि 2003 जितना विवादित वर्ल्ड कप आज तक नहीं देखने को मिला है और आगे भी ना मिले। तो दोस्तों, भारत की उस वर्ल्ड कप में हार और जीत के अलावा और कौन सी यादें हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।